नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैच चास, मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के स्टूडियो में। आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स प्लेन और दूसरा टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो आइए हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन को समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को समझने के लिए हम लोग पहले कार्टेशियन प्लेन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और उसके एक्सिस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा ओरिजिन और अब नाम लिख देते हैं इनके। अब देखिए इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट को हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर के ज़रिए दिखाते हैं। एक्स वाई, एक्स होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, वाई होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं और आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन तो कहते ही हैं और आर्गन प्लेन भी कहते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। यहाँ पर i हमारा स्टैंडर्ड सिंबल है। अब देखिए ये है हमारा रियल पार्ट, रियल पार्ट को हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे। और क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में आ गए हैं, कार्टेशियन प्लेन में नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है हमारा, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल एक्सिस हो जाता है। इसी तरीके से आई के साथ जो वाई लगा हुआ है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है और इसको हम लोग y एक्सिस पे दिखाते हैं और y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे होते हैं उसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, y वाले कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं y एक्सिस पे होते हैं उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब देखिए आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका रियल पार्ट को हम लेंगे फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर पेयर के, इमेजिनरी पार्ट को लेंगे सेकंड वाले पार्ट पे। एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो सपोज करिए कि यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और इसको हमें इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे एक पी और लिख देंगे एक्स वाई। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई। अब हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कार्टेशियन प्लेन की तरह इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक यूनिक पॉइंट होगा, ठीक है। पॉइंट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पॉइंट। अब हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मॉडुलस का कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या मतलब होता है। हमने मॉडुलस पढ़ा था, मॉड जेड होता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस चीज़ का मतलब होता क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन में? तो देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको हमने पी से दिखाया है और एक पॉइंट की तरह इसको हमने लोकेट कर दिया है हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में और यह पॉइंट है हमारा एक्स वाई। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें मॉड को, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हमें किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देते हैं। हम अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। अब अगर आपको इस फॉर्मूले के ज़रिए किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक्स टू के बदले एक्स लगाइए, वाई टू के बदले वाई लगाइए और वाई एक्स वन के बदले ज़ीरो लगाइए, वाई वन के बदले ज़ीरो लगाइए। ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा पॉइंट।
तो डी बन के आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडल्स जो है हमारा बेसिकली वो हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से। मॉडल्स क्या बताता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से। ये रिप्रेजेंटेशन होता है ज्योमेट्रिकल मॉडल्स का। अब हम बात करते हैं कंजुगेट की कि कंजुगेट का क्या यूज़ होता है। तो इसको पहले रफ कर देते हैं, फिर हम कंजुगेट के बारे में बात करेंगे। तो कंजुगेट होता है हमारा z बार x माइनस आई वाई। अब देखिए p हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। हमने इसका कंजुगेट निकाला z बार, वो हो गया x माइनस आई वाई। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट ऐसे का ऐसे ही है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका कंजुगेट वाला बन के, वो ठीक अपोजिट आएगा आपके ओरिजिनल वाले नंबर के। तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा पी एक्स वाई, तो जो इसका कंजुगेट बन के आएगा वो ठीक इसके सामने बन के आएगा, और जितना इस पॉइंट का डिस्टेंस है इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से है, उतना ही उस वाले पॉइंट का डिस्टेंस भी एक्स एक्सिस से होगा। तो उस पॉइंट को हमको मान लेते हैं क्यू, जो हमारा कंजुगेट बन के आया उसको हमने क्यू मान लिया और लिख दिया एक्स माइनस वाई। अब ध्यान से देखिए पी और क्यू, अगर पी को मैं ऑब्जेक्ट मान लूँ और एक्स एक्सिस को मिरर मान लूँ, तो ये जो पॉइंट क्यू है ये इमेज है रिफ्लेक्ट हुई पॉइंट पी की एक्स एक्सिस में, ठीक है। अगर आप पॉइंट पी का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कराते हो तो क्यू आता है और क्यू कंजुगेट होता है पी का, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्यू को ऑब्जेक्ट मान लूँ और इसको रिफ्लेक्ट कराऊँ एक्स एक्सिस में, तो पी इसकी इमेज बन के आएगी, ठीक है। तो कंजुगेट बेसिकली क्या है, हमारे ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्टेड इमेज है एक्स एक्सिस में। तो ये है हमारा पी, ये हो गया हमारा क्यू, ये है हमारा मीनिंग कंजुगेट का। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कंजुगेट का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मॉडुलस और कंजुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब हम बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो के अगले पार्ट में। अब हम लोग बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो हम लोग पहले हमारा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं उसे लिख लेते हैं, फिर हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। और हम सबको पता है कि जब कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम आएंगे तो एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इसको हमने एक पॉइंट p के जरिए दिखा दिया अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख रहे हैं ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अब पोलर फॉर्म क्या होती है? तो पोलर फॉर्म में जब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी हम दो कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट अलग अलग होते हैं। पहला कोऑर्डिनेट होता है आपका डिस्टेंस पॉइंट का ओरिजिन से, जिसको हम कहते हैं r। तो अगर मैं P और O को जोड़ दूं और OP को R मान लूं, तो जो पहला कोऑर्डिनेट बनेगा वो होगा R, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है। ये है हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन में पहला कोऑर्डिनेट R। दूसरा होता है थीटा, थीटा यानी कि एंगल, जिसे हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब वो एंगल जो ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रही है। तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये जो एंगल होता है थीटा, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अब हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते कैसे हैं? हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं पी आर थीटा, एक्स वाई को रिप्लेस कर देते हैं आर थीटा से। आर डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से, थीटा हमारा एंगल हो गया, जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और ये हमेशा जो हमारा एंगल है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लिया जाएगा और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब हम लोग आर और थीटा की वैल्यूज निकालेंगे एक्स और वाई को यूज़ करके कि आप किस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आर डिस्टेंस है पॉइंट पी का ओरिजिन से,
और हम सबने पढ़ा हुआ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडल्स निकालते हो तो वो डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से उस पॉइंट का। तो आर की वैल्यू हो जाती है मॉड जेड के बराबर। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नंबर का मॉडल्स निकालिए, वो उसका डिस्टेंस होगा ओरिजिन से और वही वैल्यू होगी आर की। आर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि आर डिस्टेंस है, और आर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग थीटा निकालेंगे कि थीटा कैसे निकाला जाता है। तो थीटा के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में वापस जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्राइंगल को बना लेते हैं और इसके ज़रिए हम लोग दिखाएंगे और एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और थीटा निकालेंगे। तो ये हो गया थीटा। पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एक्स एक्सिस पे और नाम रख दीजिए पी एन। अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गया पी ओ एन। अब यहाँ पर ओ पी की वैल्यू आर है, पी एन आपका वाई होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है, और ओ एन आपका एक्स होगा। ठीक है, अब हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ट्राइंगल पी ओ एन में आप देखिए परपेंडिकुलर क्या है, पी एन, इसकी वैल्यू है वाई के बराबर, हाइपोटेन्यूज है ओ पी, ये है आर के बराबर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी यानी कि वाई, एच यानी कि आर। तो वाई हो गया आपका आर साइन थीटा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर वन। अब इसी तरीके से कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हो गया आपका बेस, यहाँ पर बेस देखिए ओ एन है, इसकी वैल्यू एक्स है, हाइपोटेन्यूज ओ पी है, आर है, आर हो गया आपका, हाँ सॉरी एक्स हो गया आपका आर कॉस थीटा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर टू। अब एक क्वेश्चन नंबर वन को एक क्वेश्चन नंबर टू से डिवाइड करिए। तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा हो गया आपका वाई अपॉन एक्स, थीटा हो गया आपका टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और आर की वैल्यू आ गई मॉड जेड यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब दोनों चीज़ें मिल गई, इसके ज़रिए हम लोग हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आइए लौट के थीटा के ऊपर। हम सबको पता है कि एक वैल्यू के लिए हमारे पास कई सारे एंगल्स होते हैं। जैसे आप 1/2 लोगे तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे एंगल मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एंगल मिल सकते हैं एक वाई और एक्स की वैल्यू के लिए, एक ही वैल्यू के लिए कई सारे एंगल मिल सकते हैं। तो हम सारे एंगल्स को नहीं ले सकते, हम लोग सिर्फ वो एंगल लेते हैं जो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में हो। ठीक है, माइनस पाई इंक्लूड नहीं है उसे छोड़ दीजिए, उससे सारे बड़े एंगल्स, और पाई इंक्लूड है वो और उससे सारे छोटे एंगल्स। तो माइनस पाई और पाई के बीच के जितने एंगल्स हैं हम वही लेंगे, बाकी एंगल नहीं लेंगे। और जो एंगल इस इंटरवल में लाई करता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो जब भी आप एंगल निकालेंगे वो एंगल अगर माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो इस केस में हमारा जो थीटा है वो हो गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो ये था हमारा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हम दिखाएंगे कैसे इसको, तो अब लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब इसी को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो x के बदले r cos थीटा, y के बदले r sin थीटा। r कॉमन ले लीजिए, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ये रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में। ठीक है, या इसको आप लिखते थे एक्स वाई कार्टेशियन फॉर्म में, और आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा आर थीटा। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये पोलर फॉर्म हो गया। यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, यहाँ पर आर और थीटा हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है।
तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1+i। अब हम लोग इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले r निकालते हैं, r हो गया मॉड z के बराबर √2। ठीक है, अब थीटा निकालते हैं, थीटा हो गया आपका tan इनवर्स y अपॉन x, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, इसको लिख लीजिए tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। देखिए आपकी वैल्यू 0 से पाई और -π से 0 के बीच की होनी चाहिए, तो हम दो वैल्यूज ले सकते हैं, एक 3π/4 भी ले सकते हैं और π/4 भी ले सकते हैं, दोनों केस में आपका सेम ही आएगा। ठीक है, tan इनवर्स π/4 हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, या तो वो पाई यानी कि 180 से छोटा हो या उसके बराबर हो, या फिर ज़ीरो हो, ज़ीरो से लेके पाई के बीच में या ज़ीरो से लेके -π के बीच में। तो आप यहाँ पर दो वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, π/4 भी ले सकते हो, 3π/4 भी ले सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली π/4 ही हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक्स और वाई है वो दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस केस में हमारे जो साइन है और कॉस है वो पॉजिटिव है, और ऐसा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे के सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर z=1+i के लिए π/4 यूज़ कर रहे हैं। हम 3π/4 नहीं ले सकते, क्योंकि 3π/4 आपका जो जाएगा वो जाएगा आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म बन के नहीं आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर आप पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हो। तो हम π/4 लेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब कन्वर्ट करें तो एंगल की वैल्यूज़ का हिसाब लगा लीजिएगा, कि जब आप उस पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बदलें तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग π/4 का यूज़ करेंगे। तो tan इनवर्स 1=π/4। अब देखिए r मिल गया हम लोग को और हमारा थीटा भी हमें मिल गया, तो यहाँ पर हम लोग अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। z=r की वैल्यू कितनी है, √2cos π/4 प्लस i sin π/4। ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में। ये कार्टेशियन फॉर्म वाला सिस्टम था, ये पोलर फॉर्म है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि पोलर फॉर्म क्या होती है और इसको हम लोग कार्टेशियन से पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए मैं शास्त्र। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।